प्यारे बच्चों नमस्कार, मैथ के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों हम चर्चा कर रहे थे आपके ट्वेल्थ क्लास के टॉपिक जो 13 चैप्टर है वेक्टर, उसके ऊपर, जिसके बारे में बच्चों हमारे ऑलरेडी आज 3 लेक्चर अभी तक हो चुके हैं और बच्चों आज हमारा लेक्चर नंबर 4। तो जिसके अंदर बच्चों हम आज स्टार्ट कर रहे हैं सेक्शन फॉर्मूला से, यानी जो आपका खंड सूत्र है। खंड सूत्र बच्चों आपका 10th क्लास में पढ़ा हुआ है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो निर्देशांक ज्यामिति है उसके अंदर आपने दो बिंदुओं को बीच के अदर दूसरा बिंदु आ जाए अन्य कोई, उनको वो किस रेशियो में डिवाइड करेगा और क्या उसका फॉर्मूला होगा, उससे रिलेटेड ही जानकारी बच्चों इस लेक्चर के अंदर आपको दी जाएगी। तो सबसे पहले बच्चों देखिए कि जो भी सेक्शन फॉर्मूला है वो 3 तरीके से होता है। नंबर 1, इंटरनल डिवीजन यानी अंतर विभाजन, एक्सटर्नल डिवीजन बाह्य विभाजन, और मिड पॉइंट यानी मध्य में आ जाए, एकदम मध्य विभाजन हो जाए। तो जो डिवीजन है वो कितने तरीकों से होता है, 3 तरीकों से। और जो फॉर्मूले आपके 10th क्लास में अच्छी तरीके से पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो अंतर विभाजन के देखिए, मान लीजिए बच्चों आपके पास OA कोई वेक्टर है, OA कोई वेक्टर है जिसका हमने एक बार डिनोशन A वेक्टर से कर दिया जिसको डोनेट, एंड OB वेक्टर है जिसको डिनोट हमने किससे कर दिया, B वेक्टर से। और मान लिया कि इसके इनके बीच में कोई सी वेक्टर है, कहीं भी हो सकता है, जो ए बी को ज्वाइन करने वाले वेक्टर को एम रेशियो एन में, एम और एन के अनुपात में क्या करता है, विभाजित करता है। तो जो सी है उसका जो पोजीशन वेक्टर है या ओ सी को किस वेक्टर से दर्शाया जाएगा, तो वो फॉर्मूला क्या होगा, एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर डिवाइड बाई एम प्लस ए एन। अर्थात बच्चों इससे मिलता जुलता आपने फॉर्मूला नहीं पढ़ा है 10th क्लास में, एम वन एक्स टू प्लस एम टू एक्स वन डिवाइड बाई एम वन प्लस एम टू, कुछ इससे मिलता जुलता पढ़ा होगा। सेम यही प्रोसेस एम वन वाई टू प्लस एम टू वाई वन डिवाइड बाई एम वन प्लस एम टू। तो उसी फॉर्मूले का वैक्टर में रिप्रेजेंटेशन हमने किया है कि जब दो वैक्टर को कोई अन्य वैक्टर एम रेशियो एन में एम और एन के अनुपात में विभाजित करता है तो उसको लिखा जाएगा एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर डिवाइड बाई एम प्लस एन। फॉर्मूला समझ आ गया होगा। इसके बाद बच्चों बारी आती है एक्सटर्नल डिवीजन यानी बाह्य विभाजन की, और यदि आपको याद हो तो बाह्य विभाजन भी आपका 10th क्लास में पढ़ा हुआ है। सिर्फ डिफरेंस क्या होगा दोनों में, यहाँ पे प्लस साइन है और यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन। क्या आ जाएगा, यहाँ पे प्लस साइन और यहाँ पे नेगेटिव साइन। तो मान लीजिए जैसे ए वेक्टर आ गया, ये बी वेक्टर सी इधर है, तो ये कंप्लीट एम और इतना एन ओ, तो जो ओ सी वेक्टर है वो क्या डिनोट करेगा, एम बी वेक्टर माइनस एन ए वेक्टर डिवाइड बाई एम माइनस एन। यानी इस फॉर्मूले में जहाँ प्लस है वहाँ पे यदि माइनस कर दिया जाए तो आपके सी को डिनोट करेगा, और वो फॉर्मूला होता है एक्सटर्नल डिवीजन का, ठीक है। फिर बारी आती है मिड पॉइंट यानी मध्य विभाजन की। तो सिंपल सी इसकी बच्चों प्रोसेस है, आप जानते हो मध्य विभाजन क्या होता है, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a वेक्टर प्लस b वेक्टर डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। इतनी बात समझ आ गई, कोई डाउट है तो बताइए, एक बार देखिए बच्चों इनको ध्यान से, कोई भी डाउट है तो बताइए। इतनी बात समझ आ गई होगी। अब बच्चों हम जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है जिसको आपको ध्यान से समझना है उससे रिलेटेड जानकारी को देखिए। नेक्स्ट बच्चों जो हम टॉपिक ले रहे हैं वो है वेक्टर जॉइनिंग टू पॉइंट यानी दो बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश कैसे बनेगा वो देखिए, और उसका ज्योमेट्रिकली मीनिंग क्या होता है वो देखिए। तो वो जो हमारा टॉपिक बच्चों वो है वेक्टर जॉइनिंग टू पॉइंट, अर्थात दो बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश कैसे लिखा जाएगा और इसका बच्चों ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा है वो समझना है आपको। सबसे पहले बच्चों मान लो कि आपके पास कोई दो वेक्टर है, एक ए पॉइंट है और एक बी पॉइंट है, दो पॉइंट है जिसका ओरिजिन के रिस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर यानी मूल बिंदु के सापेक्ष इसका जो स्थिति सदिश है वो ओ ए है,
और इसका जो मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश है वो ओ बी है। ठीक है, जब आप ए को बी से ज्वाइंट करोगे तो कोई वेक्टर तो बनेगा जिसे मैंने नाम दे दिया ए बी वैक्टर। तो ये किससे दर्शाया जाएगा, ओ बी वैक्टर माइनस ओ ए वैक्टर से। प्रोसेस समझ आ गई, यानी जब दो बिंदुओं को मिलाने पर क्या वेक्टर बनेगा, ओ बी वैक्टर माइनस ओ ए वैक्टर। इसको बच्चों यदि हम वेक्टर के फॉर्म में लिखें तो क्या हो जाएगा, मान लीजिए ए है, उसके कोऑर्डिनेट है एक्स वन वाई वन जेड वन, और बी है उसके कोऑर्डिनेट है एक्स टू वाई टू जेड टू। तो इसका वेक्टर फॉर्मेशन ये हो जाएगा एक्स टू माइनस एक्स वन प्लस वाई टू माइनस वाई वन प्लस जेड टू माइनस जेड वन की कैप। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है तो आप बता सकते हो, फॉर्मूला समझ आया, एक्स टू माइनस एक्स वन आई के प्लस वाई टू माइनस वाई वन जे के प्लस जेड टू माइनस जेड वन के कैप। इतनी बात क्लियर हुई, कोई डाउट है? अब इसको कार्टेशियन फॉर्म में भी ये फॉर्मूला कैसे बना या इसका मीनिंग क्या होगा तो वो देखिए। तो हम इसको कार्टेशियन प्लेन के अंदर जो आपका 2D प्लेन है उसके अंदर डिनोट करते हैं। मान लिया मैंने ए पॉइंट यहाँ पर है, मैं बच्चों इसको 2D प्लेन में ले रहा हूँ, तो अर्थात ये जो जेड टू जेड वन है वो एक बार यहाँ से रिमूव करके ले रहा हूँ। ठीक है, और इसके ए के मैंने कोऑर्डिनेट ले लिए एक्स वन वाई वन, तो यहाँ से एक चीज़ तो आपके क्लियर हो गई होगी, ये एक्स वन पॉइंट है और ये आपका वाई वन। अब मान लीजिए इसी प्लेन के अंदर एक अदर पॉइंट है बी जिसके कोऑर्डिनेट हैं एक्स टू वाई टू, ये ओ के कोरिस्पॉन्डिंग आपका इसका पोजीशन वेक्टर आ गया, ये ए वेक्टर, ये है आपका बी वेक्टर। तो ये डिस्टेंस हो जाएगी आपकी एक्स टू, और बच्चों ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी आपकी वाई टू। ठीक है, और इसे मैंने बी वेक्टर, तो जो आपको अभी तक बताया गया उसके अकॉर्डिंग ए वेक्टर मैं क्या लिखूँगा, एक्स वन आई केप प्लस वाई वन जे केप लिखा जाएगा, और बी वेक्टर बच्चों लिखा जाएगा एक्स टू आई केप प्लस वाई टू जे केप। ठीक है, अब आप आगे समझिए भी, यदि हम ए और बी को ज्वाइंट कर देते हैं तब जो ए बी वेक्टर होगा वो क्या बनेगा। तो बच्चों सबसे पहले तो आप ये देखो, इस वेक्टर को समझो, एक्स वन ए वेक्टर के लिए क्या डिनोट कर रहे हैं, तो यदि मैं पूरा ए वेक्टर को ओ ए वेक्टर से डिनोट करूं तो ये चीज़ नहीं बता रहा क्या कि ओ से लेकर यहाँ तक उसकी क्या डिस्टेंस है, यानी जो एक्स एक्स की अकॉर्डिंग वो कितनी डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, और वाई वन वाई एक्स के अकॉर्डिंग कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है यही बता रहे हैं। तो इस हिसाब से जो ए बी है वो एक्स एक्स के अकॉर्डिंग कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है और वाई एक्स के अकॉर्डिंग कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, यदि हमें ये पता चल जाए तो मैं ए बी को इस नोटेशन में लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ। बस समझ आई, रिपीट कर रहा हूँ, जो ध्यान से सुनो, समझो इस बात को कि जो ए वेक्टर हमने लिखा एक्स वन आई प्लस वाई वन जे वो ये नहीं बता रहा क्या कि एक्स एक्स की सीध में ओ ए वेक्टर कहाँ से कहाँ तक है और वाई एक्स के अकॉर्डिंग ओ ए वैक्टर कहाँ से कहाँ तक है। सेम यही प्रपोजिशन इसके लिए भी तो हो रही है। तो इसी प्रकार यदि मैं ये पता कर लूँ ए बी वैक्टर एक्स एक्स के कोरिस्पॉन्डिंग कहाँ से कहाँ तक है और वाई एक्स के कोरिस्पॉन्डिंग कहाँ से कहाँ तक है, तो मैं ए बी को इस नोटेशन में लिख सकूँगा या नहीं लिख सकूँगा। तो आप ये देखिए, ये पूरी एक्स वन ये एक्स टू, तो ये इतनी डिस्टेंस जो है वो क्या हो जाएगी एक्स टू माइनस एक्स वन। सेम प्रोसेस यदि मैं यहाँ बच्चों यूज कर रहा हूँ तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी वाई टू माइनस वाई वन। तो इस तरीके से जो मेरा ए बी वैक्टर है वो क्या हो जाएगा एक्स टू माइनस एक्स वन आई के प्लस वाई टू माइनस वाई वन जे के। इनको यदि मैं अलग अलग करके लिखूँ तो ऐसा नहीं लिख सकता क्या, एक्स टू आई प्लस वाई टू जे माइनस एक्स वन आई प्लस वाई वन जे, ये क्या हो जाएगा आपका बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर या ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। तो बताइए बच्चों अब ये रीजन समझ आया या नहीं आया, कोई डाउट है क्या? इसका बच्चों हमने सिद्ध कर दिया है
कि दो बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश अर्थात जो वेक्टर जॉइनिंग टू पॉइंट है वो कैसे लिखा जाएगा। यानी यदि ए पॉइंट है और बी कोई पॉइंट है, ये दो डिफरेंट पॉइंट है जिनके ओरिजिन की रिस्पेक्ट में अर्थात मूल बिंदु के अनुसार उनके स्थिति सदिश ओ ए वैक्टर ओ बी वैक्टर हैं, तो ए बी वैक्टर को डिनोट किया जाएगा ओ बी वैक्टर माइनस ओ ए वैक्टर। हाँ, यदि मैं यहाँ पे बी ए वैक्टर को लिखना चाहूँ तो बी ए वैक्टर हो जाएगा ओ ए माइनस ओ बी। कार्टेशियन फॉर्म में इसको ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है, ये कार्टेशियन फॉर्म में है। और प्रूफ इसका ये रहा कि भाई ये जो फॉर्मूला है वो क्यों ऐसा बना, ठीक है, क्योंकि ये जो ए बी है वो एक्स एक्स के कोरिस्पॉन्डिंग एक्स टू माइनस एक्स वन डिस्टेंस कवर कर रहे हैं और वाई एक्स पे वाई टू माइनस वाई वन। तो बच्चों बताइए दो बिंदुओं को मिलाने वाला जो सदिश है वो आपको समझ आया या नहीं आया। बच्चों इसका यूज क्या होगा, जैसे मान लीजिए मैं कोई एक ट्राइंगल बना दूँ ऐसे सी, अब आपको ये जो ए बी सी जो ट्राइंगल बना ये क्या क्वालिटी होगी वैक्टर के थ्रू इसकी बतानी हो, तो सबसे पहले आपके तीनों साइडें तो होनी चाहिए ना, तो तीनों पहले साइड पता करेंगे, उसके बाद इनका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लो, मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के बाद इनके लेंथ आ जाएगी और लेंथ के अकॉर्डिंग आपको पता चली जाएगा। जैसे मान लो अगर तीनों साइड इक्वल आ जाए तो इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी समबाहु, दो इक्वल हो आइसोसेल्स समद्विबाहु, दो के साइड का स्क्वायर थर्ड के स्क्वायर के इक्वल हो तो राइट ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज, ठीक है। तो बच्चों इतनी बातें कवर हो गई होगी, तो बस एक छोटा सा टॉपिक और रह जाता है वेक्टर मल्टीप्लाई विद स्केलर। देखिए बच्चों वेक्टर मल्टीप्लाई विद स्केलर अर्थात सदिश का गुणा। सबसे पहले बात पूछो कि क्यों किया जाता है, यूज किया है, गुणा कैसे करना है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि वो एक सिंपल सी प्रोसेस है बच्चों, वो आपको आसानी से समझ आ जाएगी, लेकिन इसका रीज़न क्या है। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल के थ्रू देखिए, मान लीजिए ए कोई वेक्टर यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक आया, ये बी वेक्टर है, तो आपको एक चीज़ क्लियर दिख रही है कि दोनों की डायरेक्शन सेम है, ए की डायरेक्शन में इस साइड जा रहे हैं, लेकिन क्या इनकी लेंथ है जो इनका मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है, तो आपका जवाब होगा कि वो इक्वल नहीं है, यानी इनका जो परिमाण है वो इक्वल नहीं है, तो ये दोनों वेक्टर इक्वल नहीं है। अब मैं बी में ऐसा क्या चेंज करूँ कि वो इसके इक्वल आ जाए, यानी मुझे कोई ना कोई क्वांटिटी का तो मल्टीप्लाई करना होगा, तो जब मैं बी में कोई स्केलर क्वांटिटी मान लीजिए लैम्डा अदिश राशि है किसी का मल्टीप्लाई करूं और वो इसके इक्वल इसके परिमाण को भी बना दे, तो दोनों इक्वल नहीं हो जाएंगे क्या। तो एक तो ये प्रोसेस है, और एक ऐसा कि यदि ए वैक्टर के कोरिस्पॉन्डिंग ही आपको एक अदर वैक्टर दे दिया जाए भी फाइंड आउट करो पता लगाओ, और उसका मैग्नीट्यूड मान लो मैंने दे दिया 10 है, ए का मैग्नीट्यूड मान लो 4 है और उसका मैग्नीट्यूड 10 है, डायरेक्शन का पता नहीं, इसके डायरेक्शन में ही बताना है, तो कैसे करोगे। तो उन सब प्रोसेस के लिए यानी एक के अकॉर्डिंग दूसरा पता करने के लिए हम इस चीज़ का यूज करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले करेंगे कैसे, मान लीजिए ए कोई वैक्टर है एक्स आई वाई जे जेड के, तो जब आप इसमें कोई स्केलर क्वांटिटी का मल्टीप्लाई करोगे तो वो हो जाएगा लैम्डा एक्स आई कैप लैम्डा वाई जे कैप लैम्डा जेड ये कैप, मल्टीप्लाई तो बहुत इजी है। एग्जांपल दे देते हैं, जैसे मान लो ए वेक्टर आपके पास ये होता 2i माइनस 4j प्लस 5k और मेरे को मान लो 3a वेक्टर चाहिए, तो मैं 3 का मल्टीप्लाई कर दूँ सभी में, 3 2 जा 6 ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 15, ठीक है। तो जो 3a वेक्टर निकाली में तो मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ा, और लेकिन एक जो मुख्य बात है वो कि जब किसी वैल्यू को इसमें चेंज करना हो तो कैसे करेंगे। जैसे अब बताओ बच्चों 4 को 10 में बदलना हो कितने का मल्टीप्लाई करूँ, चलो सिंपल से बता दो 2.5, पर अगर 7 को बदलना हो तो
थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। इसका उत्तर होता है 10/7, लेकिन अब ये कैसे पता चला? तो यदि इस 7 को इसके नीचे ले जाएं तो ये कितना हो जाएगा, 1। तो सबसे पहले क्या होगा, उसको 1 बनाओ, फिर उससे मल्टीप्लाई करो। प्रोसेस समझ आई? जब एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर में चेंज करना हो उसका मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग, तो सबसे पहले उसको 1 बनाओ, फिर जितना मैग्नीट्यूड है उसका मल्टीप्लाई कर दो। तो यही प्रोसेस है। मान लीजिए आपको ए वेक्टर गिवन है और एक बी वेक्टर बनाना है जिसका मैग्नीट्यूड मान लो फॉर एग्जांपल लैम्डा है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसका ए कैप फाइंड आउट करो। क्या करोगे, ए वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो ये एक इकाई सदिश यानी यूनिट वेक्टर आ गया या नहीं आ गया? और जब आप इसको लैम्डा से मल्टीप्लाई करोगे तो ये किसे जनरेट कर देगा, बी वेक्टर को, क्योंकि अब जो इसका मैग्नीट्यूड होगा वो कितना हो जाएगा, लैम्डा। इतनी बात समझ आ गई होगी? यहाँ तक बच्चों कोई डाउट है तो बताओ। तो अब इस टॉपिक का यूज समझ आ गया कि जब एक वेक्टर को हमें दूसरे वेक्टर में चेंज करना हो मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग तो लैम्डा का क्या यूज है, या वेक्टर को चेंज करना हो। हाँ, लेकिन बच्चों एक बात आप याद रखोगे, लैम्डा पॉजिटिव क्वांटिटी मैक्सिमम आपको मिलेगी। पॉजिटिव क्वांटिटी का रीज़न है कि पॉजिटिव क्वांटिटी रहेगी तो इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, पर यदि लैम्डा नेगेटिव क्वांटिटी होती है आप मल्टीप्लाई करते हो तो उसकी फिर डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा। यानी लैम्डा ए जो है, जैसे ए वेक्टर है, इसमें आप 2a वेक्टर, मैग्नीट्यूड अलग अलग है लेकिन डायरेक्शन सेम है। ए वेक्टर -2a वेक्टर, मैग्नीट्यूड अलग अलग है और डायरेक्शन भी अपोजिट है। इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन सेम नहीं है। तो इन बातों का बच्चों आप विशेषकर ध्यान रखोगे। तो बच्चों आज के इस लेक्चर में हमने 3 टॉपिक आपके पढ़े। एक तो हमने ये पढ़ा जो बोर्ड पे लिखा हुआ है कि वेक्टर मल्टीप्लाई विद स्केलर, कैसे मल्टीप्लाई होगा और क्यों होगा, उसका रीजन यानी हमारे लिए कि इसका यूज हमने वो पढ़ा। उसके बाद हमने ये पढ़ा वेक्टर जॉइनिंग 2 पॉइंट, यानी 2 बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश, यानी जब 2 आप अलग अलग बिंदुओं को मिलाओगे तो कैसा सदिश बनेगा, क्या क्या उसकी क्वालिटी आएंगी, यानी क्या इसका यूज है, क्यों किया जाता है, और ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन क्या होता है वो पढ़ा। और जो थर्ड हमने स्टार्टिंग में पढ़ा वो था सेक्शन फॉर्मूला खंड सूत्र। तो बच्चों आपका जो 13.1 एक्सरसाइज है उससे रिलेटेड सारी बेसिक जानकारी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, जो आपका 13.1 जो इसका पार्ट है उससे रिलेटेड सारी बेसिक जानकारी कंप्लीट हो चुकी है। और बच्चों यदि आपका ये बेसिक जानकारी मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है, तो आप मानकर चलो 13.1 जो चैप्टर है आपके लिए इतना ईजी हो जाएगा कि आपको देखते ही आंसर पता चल जाएगा, यानी पूरी प्रोसेस समझ आ जाएगी। सिर्फ आपका काम क्या होगा, उस टॉपिक से रिलेटेड जो जानकारी आपको बताई गई है किस तरीके से करना है वो सब आपको याद रखना है। तो बच्चों आपके जो क्वेश्चन है 13.1 के हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, यानी जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर कंप्लीट 13.1 के ऊपर फोकस रहेगा, जिसके अंदर हम वो सारे क्वेश्चन करेंगे जो इन्फॉर्मेशन रिलेटेड है या बुक के अंदर दिए गए हैं, या कुछ अलग बातें जो हो सकती है बताने लायक वो भी। ठीक है, वो सारी बातें बच्चों हम उसमें डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मेरा आपके लिए होमवर्क यही रहेगा कि अभी तक जो 4 लेक्चर हुए उसमें आपको वेक्टर से रिलेटेड जितनी बातें बताई गई है वो आप सारी याद रखें, क्योंकि तो बच्चों इसकी खासियत क्या रहेगी, यदि स्टार्टिंग में आप मजबूती से चलोगे तो आगे का जो चैप्टर है उसमें आपको कोई डाउट नहीं आएगा। क्योंकि आपको मैंने पहले बता देता हूँ कि जो 13 और 14 दोनों चैप्टर आपके वैक्टर के ऊपर डिपेंड करते हैं, और ये भी 7 मार्क्स का है, ये भी 7 मार्क्स का, यानी टोटल 14 मार्क्स के आपके 2 चैप्टर हैं। तो बच्चों स्टार्टिंग से अगर यदि आप बेसिकली मजबूत लेके चलते हो तो इसकी जिम्मेवारी पूरी ली जा सकती है कि आपके ये 14 मार्क्स में आधा भी नंबर नहीं कटेगा। बच्चों एक बार आपका ये उद्देश्य रखो कि एकदम परफेक्ट तरीके से तैयार रखो। ठीक है, तो बच्चों आज का होमवर्क ये आपको मैंने बता दिया है कि आपसे रिलेटेड जो 4 लेक्चर में आपको जो बताया गया उस बेसिक को स्ट्रॉन्ग करो, और बच्चों जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो पूरा 13.1 पे रहेगा। तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद।